गुड मॉर्निंग वेल हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, क्या हाल चल तुम्हारा। अभी टाइम हो चुके 7:12, लेकिन लेकिन सुबेरी 5 बजे बटी की आवाज आने बढ़ गई से बोल दूं कि कले की आजकल से नीचे गेहूं की बुताई, लोग उठ जाना सुबह 5 बजे और अपना अपना काम लगे छ। और आज है कि सुबेरी जो चा में थे, मेरे हिसाब से मेरे सुबह चालक चु भाई है ना। एक बार दिखो तुम थे कि भैरों की मौसम चा कि नजारा चा। गुड मॉर्निंग बोल दे भाई सब मुझे। गुड मॉर्निंग पहाड़ की नसीन आदियों से। बहुत सारे काम हुए हैं क्योंकि घर लॉकडाउन के टाइम मतलब एक साल दो साल हो गया, मेन वो घर बंद ही पड़ा था ऑलमोस्ट, और लॉकडाउन में तो वैसे ही कोई नहीं जा पाया, तो बहुत सारे काम हुए हैं। और मम्मी पापा मैंने जैसे बताया था कि 2-3 दिन पहले आ गए थे, तो काम अभी तक चल रहा है। मम्मी से बाद में अपडेट लेंगे कि क्या क्या काम हुआ है और पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे, बाहर का मौसम कैसा है। गंडक नहीं जम पड़ो से शुरुआत होता है घर का। ये हमारा घर प्रवेश यहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है घर पूरा। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों चढ़ते ही लेफ्ट और राइट में दो छोटे छोटे बगीचे। यहाँ पे कुछ काम चल रहा था तो यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। अभी तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बड़ी है यहाँ से बोलते हैं। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं चौका, चौका मतलब घर का आंगन, इसको चौका बोलते हैं। और ये है घर, जो नीचे वाला जो फ्लोर मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं उबरा। तो उबरा में ये अपनी किचन है और ये रूम अभी खाली पड़ा हुआ है। दूसरा जो है जो ऊपर उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं पांडा। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी 2 रूम है लेकिन अभी भी खाली है। इधर की तरफ से आप देखोगे तो ये है अपना बाथरूम, लैटरिन बाथरूम ये है। अभी तो खैर सब टूटे फूटे ही हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे छोटा सा एक खेत है, खेत क्या मतलब छोटा सा खेत है यहाँ पे एक। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो अभी तो फिलहाल सफाइयाँ ही चल रही है। जो भी जितना भी काम हो गया मैं दिखा देता हूँ। ये पहले पूरा इसमें भी घास लगी हुई थी क्या, ये पोर्शन भी पूरा थोड़ा सा वैसा हो रखा था, टूटा फूटा था। इसको भी पूरा लीप दिया है, जैसे ये है अपना, इसको मिक्स करके पूरा लीपा है। ये रहा अपना उबरा, उबरे में ऐसा कुछ सेटअप है, गैस है, किचन बोल सकते हैं इसको आप ना। यहाँ पे ये है अपना बंट है, यहाँ पे पानी पीने के लिए बाल्टी रखी है, बर्तन रखे हुए हैं, गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो रूम है, ये भी रूम थोड़ा वैसा और का था, इसको भी लीपा है पूरा, मतलब ना गोबर से पूरा लीप रखा है। ये पोर्शन भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है, पुराना लकड़ी वकड़ी और जो भी फावड़े वावड़े सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। ये अपना बाथरूम हो गया, ये थोड़ा सा छोटा सा खेत हो गया, और ये अपना कुलड़ा हो गया। कुलड़ा पीछे का जो घर के पीछे का जो पोर्शन होता है, तो ये अपना कुलड़ा। क्या चल रहा है यहाँ पे, काम चल रहा है। ये वाला जो इसको स्टोर रूम बोल सकते हैं, सामान वामान पूरा बिखरा हुआ था, पापा ने पूरा सेट कर दिया इसको, और अभी भी काम चल रहा है।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वैसे घर तो बहुत सारे पुराने बने हुए हैं, लेकिन ये घर, ये स्पेसिफिक घर कब बना था? खैर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो हमने बाद में बनाया है ना, ये जो उसके ऊपर जो जो ऊपर जो दो रूम है वो अलग से हमने बनवाए थे बाद में, लेकिन ये घर जो बना है ये बना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1984, तो ये इतना पुराना है, मतलब तब से लिखा हुआ है, ये तब से मिटा नहीं है, 1984 में ये घर बना था पूरा। ऊपर का पोर्शन दिखा देता हूँ एक बार, ये इसको बोलते हैं निमदरी, ये जो एरिया होता है ये जंगला से जंगला, और ये बोलते हैं ना हम निमदरी, और ये वाला रूम मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस रूम का सेटअप कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम लोग सारे सो रहे हैं, और ये कुर्सियाँ, कुर्सियों की कहानी बहुत खतरनाक कहानी है, बहुत पुरानी कुर्सी, इसी में बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, ये पाँचवीं क्लास तक जो है ना हमने यही गाँव में पढ़ा हुआ है, कुर्सियों से बड़ी यादें हैं, यहाँ बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे, पूरी पढ़ाई इस कुर्सी में निकाली हुई। उधर भी एक रूम है, वहाँ पे हमारे स्कूल के मास्टर जी रहते हैं, उनसे भी मिलाएंगे आपको, है ना, लेकिन बाद में चलते हैं ऊपर की तरफ। हमने बनाया था बाद में, यहाँ पे ग्रिल हुआ करती थी, लेकिन ग्रिल वो टूट गई है, मैं थोड़ा ऊपर हुआ करता था जितना हुआ है, लेकिन ये देखो ये टूट चुका है, मैंने मेंटेनेंस नहीं है इतना कुछ खास, और ये पोर्शन टूट गया, ज़्यादा इधर नहीं जाना अपने को, तो यहाँ पे हमने अलग से बनाया था बाद में, ये काफ़ी टाइम बाद बनाया था हम लोगों ने, तो ये रूम यहाँ पे है, अब देखो ये वाला रूम ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, ये भी है ना, यहाँ पे पुराने बेड रखे हुए हैं, इन्हीं में सोया करते थे, ये चादरें दरियां वरियां सब वही हैं, ये आप लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ क्या है, ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए काम आती है, मुझे पता है कि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये किस चीज़ में यूज़ होती है, इसको ध्यान से देख लो आप। चलो इसका तो काम हो गया, इस रूम का सब रूम ऐसे ही पड़े हुए, ये रूम भी खाली पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट खाली है, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ है, अब ये पुराने, इसमें पुरानी पुरानी चीज़ें अपनी पड़ी हुई हैं, ये कुर्सियाँ, मतलब ये कुर्सियाँ कितनी पुरानी हैं, मतलब यार ये अपने बंठे हो गए, पानी के बंठे, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लालटेन है अपनी, देखो आजकल तो लाइट का ज़माना है ना, लेकिन एक टाइम था जब हमने लालटेन में भी हमने पढ़ाई करी, क्योंकि गाँव में ना लाइट्स बहुत जाती थी उस टाइम पर, अभी तो बहुत चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, लेकिन ये लालटेन इसके अलग यादें हैं, इसमें बहुत हमने मतलब टाइम निकाला है, लाइट चली जाती थी इसको जला के रखते थे, पढ़ाई के टाइम पे बड़ा काम आती थी लाइट चली जाती थी, तो इसकी भी अपनी एक कहानी है। बताओ फिर की काम हुआ गौरमार, की काम कर तुम दीदी? काम बहुत रहे जब पर कद का काम है तो बता दे, अभी जरा लीप देना हो, जैसे ये लेप रखा है नीचे आप देख रहे हो, वैसे ही इसको भी अभी लीपेंगे चारों चारों बीच बीच में। तैयारी हो रही है सुबह के नाश्ते की, क्या बन रहा नाश्ते में? तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज में आपको और दिखाऊंगा, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और दूसरा शेयर जरूर करना, और पौड़ी के डबल के जितने भी लोग हैं आप लोगों को जरूर शेयर करना है, ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जय हिंद जय उत्तराखंड।